जंगल के उन दो जानवरों के बारे में बात करेंगे जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैसे तो जंगल में कई जानवर हैं जो खतरनाक होते हैं, लेकिन यह दो जानवर बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनका नाम है टाइगर और बियर। इन दोनों ही जानवरों की एशिया के जंगलों में आमना सामना होने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक रहती है और कई बार उनकी लड़ाई जानलेवा होती है, क्योंकि दोनों ही शक्तिशाली जीव हैं। क्या होगा यदि यह दोनों जानवर आपस में टकरा जाएं? कौन जीतेगा, कौन किसका शिकार बनेगा, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी रोमांचक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। टाइगर बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। टाइगर के बाद अफ्रीकन लायन बड़े जानवर माने जाते थे, लेकिन साइबेरियन टाइगर अफ्रीकन लायन से भी काफी बड़े होते हैं। टाइगर एक खतरनाक क्रिएचर है। यह अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए किसी भी बड़े जानवर पर हमला करने से नहीं डरता है। टाइगर का जंगल में अपना ही एक निश्चित एरिया होता है। उस एरिया में यह किसी दूसरे टाइगर को आने भी नहीं देता है। यदि कोई दूसरा टाइगर वहाँ पर प्रवेश करता है तो इनकी लड़ाई काफी ज्यादा जानलेवा होती है। टाइगर शेर के बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। शेर जहाँ झुंड में रहना पसंद करता है और झुंड में अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करता है, तो वहीं टाइगर अकेले में ही रहना पसंद करता है। बाघ के शरीर में पाए जाने वाली धारियां हर बाघ की अलग होती है, ठीक हमारे हाथ की तरह। जिस तरह हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट हर व्यक्ति के अलग होते हैं, दुनिया भर में 70% बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। एक बाघ 18 हर्ट्ज तक की आवाज पैदा कर सकता है, जो कि 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। टाइगर केवल मांसाहारी जानवर ही होते हैं। यह हर तरह के जंगली जानवर का शिकार करते हैं। यह दिन के मुकाबले रात को शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दिन के मुकाबले रात को इनकी आंखों की रोशनी 6 गुना अधिक हो जाती है। यह एक तैराक भी होता है। यह एक बहुत ही ज्यादा सफल तैराक है। इसको 7 किलोमीटर तक तैरते हुए देखा गया है। यह बहुत ही ज्यादा फुर्तीला जानवर है, जो कि 32 फीट लंबी छलांग और 12 फीट ऊंची छलांग भी लगा सकता है। यह पेड़ पर बड़ी आसानी पे चढ़ सकता है। यह एक बारी में 25 से लेकर 28 किलो तक मीट को खा सकता है। बाघ को बिल्ली की प्रजाति का मानने का मुख्य कारण यह है कि बिल्ली से इसका डीएनए 95% से भी अधिक मिलता है। अब बात करते हैं भालू के बारे में। यह एक अत्यंत शक्तिशाली क्रिएचर है। यह मांस मच्छी के साथ पेड़ों की पत्ती और फल भी खा सकते हैं। कहते हैं कि भालू का पसंदीदा आहार शहद और मच्छी होता है। भालू में खालों की 2 परत होती है। एक छोटी परत भालू को गर्म रखने में सहायक होती है, तो दूसरी परत भालू को बारिश और पानी से बचाती है। आपको बता दें, भालू की जीभ 9 इंच लंबी होती है। भालू इंसान की तरह खड़े होकर चलने में भी सक्षम है। दुनिया में 98% ग्रिजली बियर केवल अलास्का में पाए जाते हैं। भालू के पंजे काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। वैसे तो भालू की दुनिया में 8 प्रजातियां होती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रजाति काफी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। एक है पोलर बियर और दूसरा है ब्राउन बियर। पोलर बियर पूर्ण रूप से मांसाहारी होते हैं, तो वहीं ब्राउन बियर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। भालू इतना वजनी होने के बाद भी 7 फीट ऊंची छलांग लगा सकता है और पानी में भी अच्छी तरह तैर सकता है, साथ ही पेड़ों में भी बड़ी आसानी से चढ़ सकता है। अब बात करते हैं इनकी कुछ शारीरिक विशेषताओं के बारे में, जो इनको जीत की ओर अग्रसर करेगी, जो जीत प्राप्त करने के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। टाइगर की लंबाई होती है 11 फीट तक, तो वहीं बियर यानी भालू की लंबाई होती है 9 फीट तक। टाइगर का वजन होता है 350 किलो से लेकर 400 किलो तक, तो वहीं भालू का वजन होता है 400 किलो से लेकर 450 किलो तक। टाइगर के लंबे कैनाइन दांत होते हैं, जिनकी लंबाई होती है 78 mm, तो वहीं बियर के भी कैनाइन वाले दांत होते हैं, लेकिन उनकी लंबाई मात्र 20 mm ही होती है। स्पीड की बात करें तो टाइगर की स्पीड होती है 65 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं भालू की स्पीड भी कुछ कम नहीं। भालू की स्पीड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब करते हैं बाइट फोर्स के बारे में बात। टाइगर की बाइट फोर्स होती है 1050 psi, तो वहीं भालू की बाइट फोर्स टाइगर से अधिक है, वो होती है 1200 psi। अब बात करते हैं जीवन काल के बारे में। टाइगर का जीवन काल होता है 10 से 15 साल का, तो वहीं भालू का जीवन काल होता है 25 से लेकर 30 साल तक का। यह थी इन दोनों जानवरों की शारीरिक विशेषताएं, जो बेहद ही ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों ही जानवर पेड़ में चढ़ने में सक्षम है और पानी में तैरने में भी।
यदि मुकाबला हुआ तो काफी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक होगा, क्योंकि दोनों ही खतरनाक और शारीरिक हथियारों से भरपूर हैं। यदि दोनों का जंगल में आमना सामना हुआ तो टाइगर पहले वार करेगा, क्योंकि टाइगर एक जन्मजात शिकारी है। जहाँ तक पंजों की बात है, वहाँ तक टाइगर और बियर के पंजों में लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों के पंजे लगभग समान होते हैं, लेकिन टाइगर के नाखून पंजों के काफी ज्यादा तेज होते हैं, जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। साथ ही टाइगर के कैनाइन वाले दांत ज्यादा लंबे होते हैं। भले ही बियर की बाइट फोर्स ज्यादा अधिक क्यों ना हो, लेकिन टाइगर की अटैक टेक्निक बियर से काफी ज्यादा बेहतर है। टाइगर घात लगाकर भी एकदम से वार कर सकता है। स्पीड की बात करें तो टाइगर की स्पीड काफी ज्यादा बेहतर और टाइगर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जो कि टाइगर को जंगल का एक बेहद ही ज्यादा खतरनाक शिकारी बनाती है। टाइगर की खतरनाक अटैक टेक्निक टाइगर को जीत की ओर अग्रसर करेगी। यदि मुकाबला हुआ तो टाइगर के जीतने की प्रायिकता अधिक होगी, और यदि मुकाबला रात के समय हुआ तो निश्चित ही टाइगर जीतेगा, क्योंकि रात के समय टाइगर अच्छी तरह देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।